नमस्ते, आज हम जानेंगे सबसे पुरानी प्रिंटिंग टेक्निक के बारे में, जो जानी जाती है ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से। दोस्तों, ब्लॉक प्रिंटिंग ये जो कला है, कहा जाता है कि 5000 साल पुरानी ये कला है। हड़प्पा संस्कृति से ये कला चली आ रही है, तब के लोग जो है इस कला को जानते थे और इस कला का उपयोग करके कपड़े को सजाते थे। दोस्तों, ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, इसकी उत्पत्ति चाइना में हुई और फिर वो भारत में आया। 12th century में राजा महाराजाओं ने इस कला को काफ़ी प्रोत्साहित किया और वो खुद इससे बने कपड़े पहनते थे और इसे बहुत शाही माना जाता था। उसके बाद 17th century में ये काफ़ी फली फूली और अब तक, मतलब 21st century तक, ये काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी पसंद किया जाता है ब्लॉक प्रिंटिंग से बने कपड़ों को। इसके लिए लकड़ी से ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे ब्लॉक्स हैं लकड़ी से बने हुए। लकड़ी के ऊपर इस डिज़ाइन को कार्व किया जाता है पहले, तो उसके बाद कलर में डुबोकर कपड़े के ऊपर छपाई होती है। इसके लिए जो ओरिजिनल ब्लॉक प्रिंटिंग है, उसके लिए नैसर्गिक रंग, मतलब नेचुरल कलर्स इस्तेमाल करते हैं कारीगर। ये कलर्स हल्दी से बनते हैं, इंडिगो से बनते हैं, गेरू से बनते हैं, अनार के छाल से बनते हैं। तो इसके लिए पहले तो क्या किया जाता है कि जो कलर है वो स्पंज पे निकाला जाता है, उसके बाद ये ब्लॉक्स जो है वो कलर में डुबोए जाते हैं और कपड़े के ऊपर छापे जाते हैं। कपड़ा रखने के लिए लकड़ी के टेबल के ऊपर जूट का जो कपड़ा है वो बिछाया जाता है, इससे जो सॉफ्ट बेड तैयार होता है और फिर उसके ऊपर जिस कपड़े पर छपाई होनी है वो कपड़ा स्ट्रेच किया जाता है और फिर उसके ऊपर छपाई होती है। दोस्तों, ब्लॉक प्रिंटिंग के मूलतः 3 प्रकार हम कह सकते हैं। एक तो डायरेक्ट प्रिंटिंग, जिसमें पहले तो कपड़े को डाई किया जाता है और उसके ऊपर जो ब्लॉक है वो छापे जाते हैं, ये हो गई डायरेक्ट प्रिंटिंग। उसके बाद एक प्रकार है रेजिस्ट प्रिंटिंग, जिसमें जो ब्लॉक्स हैं वो वैक्स में या फिर कीचड़ में डुबोकर छापे जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमने इसको छापा है, जैसे वैक्स और कीचड़ को, तो वहाँ पर जब बाद में हम कपड़े को डाई करेंगे तो वहाँ पर कलर नहीं जाएगा, तो उसके बाद फिर कपड़े को धोया जाता है, तो इस तरह से डिज़ाइन उभर कर आती है। तीसरा जो इसका टाइप है वो है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है कि पहले तो कपड़े को डाई किया जाता है, उसके बाद जहाँ जहाँ पर हमें डिज़ाइन चाहिए वहाँ पर केमिकल लगाया जाता है। केमिकल से क्या होता है कि जो डाई है वो निकल जाता है और कपड़े का जो मूल कलर है, जो बेस कलर है, वो उभर कर आता है। तो इस तरह से उस पर डिज़ाइन बनती है। तो ये हो गई ब्लॉक प्रिंटिंग। आज हम इसी दस्तकारी से, इसी कला से प्रेरित बनाएंगे मैच बॉक्स का कार्ड। ये आप देख रहे हैं, ये मैच बॉक्स का कार्ड मैंने बनाया है। इसके ऊपर जो आप चिड़िया देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, ये मैंने इसका ब्लॉक बनाया है, लेकिन लकड़ी से नहीं बल्कि कबाड़ में से, जैसे हमारे पास बॉटल का ढक्कन है या फिर पैकेजिंग में जो स्पंज आता है उसका इस्तेमाल करके मैंने ये ब्लॉक बनाया है। तो ये जो कार्ड है, मैंने उससे इंस्पायर्ड होकर, ब्लॉक प्रिंटिंग से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। इसके अंदर जो कार्ड है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक से छपाई की गई है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे।